तो भाई आज का जो ब्रोक लेसनर का प्रोमो था ना, वो काफ़ी तगड़ा था। आप सुन के हैरान हो जाओगे जैसे मैं बताऊंगा। जिस तरीके से बोल रहे थे ना, वो ज़्यादा मज़ा आता सुनने में। लेकिन मैं बताता हूँ, पूरी एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे वो बोलते हैं। जैसे ही तगड़े अंदाज में तो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर कहते हैं रिंग में आते ही, भाईयो मेरा नाम ब्रोक लेसनर है और मैं NCAA रेसलिंग हैवीवेट चैंपियन हूँ, मैं UFC हैवीवेट चैंपियन हूँ और मैं WWE हैवीवेट चैंपियन हूँ। डेड राइट में होने वाले समर स्लैम में मुझे कोडी रोड्स को मारने के लिए पैसे मिलने वाले हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोडी रोड्स को मेरी बुरी हालत करने के लिए भी मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं इस चीज़ का इंतजार तो नहीं कर सकता। और कोडी अगर तू मुझे सुन रहा तो भाई बाहर आ जा और फेस कर मेरा। ब्रोक लेसनर कहते हैं अगर तू नहीं आया तो भाई वैसे भी समर स्लैम में मैं तेरी हालत तो खराब करने वाला ही हूँ। तो कोडी आ जाता है, कोडी ने आते ही एंट्री करी रिंग के रिंग में और फेस टू फेस करा ब्रोक लेसनर को। तो कोडी रोड्स तो जो है ब्रोक लेसनर के सामने हाथ शेक हैंड करते हैं और जो है ब्रोक लेसनर कर भी लेते हैं, जिसके बाद हमें ब्रोक लेसनर कोडी रोड्स ने एक दूसरे को घूरा और काफ़ी समय तक कन्फ्रंटेशन होने के बाद ब्रोक बैक स्टेज जाने लगते हैं। धक्का थे कि कोडी रोड्स को, तो इतने में शायद कोडी रोड्स को कुछ हो जाता होगा। तो कोडी ने रोप्स पे से बीच में से निकल के एक डाइव लगाया, जिसके बाद बीस्ट जो है गिर जाते हैं नीचे। उसके बाद टेक डाउन पंचेज लगे, जिसके बाद लेसनर ने वापसी करी और उन्हें स्टील स्टेप से मारा। कोडी रोड्स पर काफ़ी तगड़ा अटैक भी किया। इसके बाद वो जाने लगते हैं, जिसके बाद इनका थीम सॉन्ग प्ले होता है। फिर से वो वापस आते हैं, फिर से वो आगे कोडी रोड्स को एक और बार स्टील स्टेप से अटैक करते हैं और मारते भी है, F5 भी दिया। फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर आके एक और F5 दिया। तो भाई ऐसे करके ब्रोक लेसनर ने मजे ले लिए कोडी रोड्स के। तो ये तगड़ा एक तरीका था, मतलब आते ही ब्रोक लेसनर अपनी भाई अचीवमेंट गिरवाई, भाई देख मैंने क्या क्या कर रखा है, तू कहाँ है क्या और क्या कर रहा है। बढ़िया तगड़ा एकदम स्टेटमेंट लगा था मुझे ब्रोक लेसनर का। हालांकि भाई यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैन इवेंट की, जो कि तगड़ा नहीं था भाई। शुरू में देखने तो भाई बोर फील थोड़ी थी, लेकिन भाई एंड के कुछ 4 मिनट बचे थे जब जाके उन्होंने कुछ तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, जो कि आप देख सकते हो। ये सैमी ज़ेन ने एक तगड़ी क्लोज लाइन मारी थी हवा में, एकदम पेबल डॉल उड़ गया था, जो वे डोंगडोंग उसका नाम। इसके बाद भाई मैच काफी तगड़ा था और 3 बार सुसाइड डाइव मारी सेथ रॉलिंस ने, जिसके बाद 3री बार डाइव में जो है डायमंड प्रिस्ट पीछे गिर गया था और फिर स्टॉर्म दे के IZPZ जो है इस मैच को जीत लेला सेथ रॉलिंस ने और सैमी ज़ेन ने। काफी सही मैच था, एंड का कुछ 4 मिनट काफी सही रहे और फिन बैलर ने भी यहाँ पे पूरी सबने इंटरफेरेंस करी, फिर भी ये मैच जीत नहीं पाए सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन से। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई तुम्हारी औकात है नहीं, तुम कहाँ से WWE को चला रहे हो, रॉ को चला रहे हो। तो भाई फिलहाल तो ब्लड लाइन ही चला रही है और मैं कह सकता हूँ तो दूसरे नंबर पे तुम हो, तो सुधर जाओ भाई, मान जाओ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने WWE का 2K के अभी तक गेम नहीं देखे तो भाई जाके देखो, काफी अच्छे अच्छे मैच दे रखे हैं। रोमन रेंस, ब्रोक लेसनर ने, जॉन सीना ने, अंडरटेकर ने काफी बढ़िया मैच दे रखे, तो जाके देख लो भाई उन लोगों को।